ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवति नैष्टिके। हरे कृष्ण। आज के इस भागवत वर्ग में सभी उपस्थित भक्तों का मैं स्वागत करना चाहता हूँ और आप सभी भक्तों का चरणों में निवेदन करूँगा कि आप मुझे आशीर्वाद दें ताकि मैं इस भागवत श्लोक के बारे में कुछ चर्चा। गत कई दिनों से हम सुखदेव गोस्वामी के मुखारविंद से परीक्षित महाराज को नारकीय लोकों का वर्णन इसके बारे में सुनते आ रहे हैं। श्रीमद् भागवतम का स्कंद 5वां और अध्याय 26। आज का श्लोक क्रमांक 26 और 27 है। श्लोक गद्य के रूप में है इसलिए मैं एक बार पढ़ता हूँ। यस्विह वै सवर्णा भार्यां द्विजोरेतः पयायति काममोहितस्तं पापकृत्यम् अमुत्ररेत्रः कुल्यायां पति इत्वा रेत संपाययन्ति। शब्दों का अर्थ इस प्रकार है। यह जो कोई तू लेकिन यह इस जीवन में वही निस्संदेह सवर नाम उसी जाति की भार्या अपनी पत्नी को द्विजः उच्च जाति का व्यक्ति यथा ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्य रेतः वीर्य पायति पीने को बाध्य करता है काम मोहितः काम से मोहित तम उसको पाप कृतम पाप करते हुए अमुत्र अगले जन्म में रेतः कुल्यायाम वीर की नदी में पातयित्वा फेंक कर रेतः वीर्य संपाययन्ति पीने को बाध्य करते हैं। इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार है। यदि कोई मूर्ख द्विज ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्य भोगेच्छा से अपनी पत्नी को अपने वश में रखने के लिए उसे अपना वीर्य पीने का बाध्य करता है तो मृत्यु के पश्चात उसे लाला भक्ष नरक में रखा जाता है। वहां उसे वीर की नदी में डालकर वीर पीने को विवश किया जाता है। हरे कृष्णा। बहुत ही डेंजर स्थिति है।
ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकलं कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथामितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। नारकीय लोकों का वर्णन इस श्लोक में वर्णन किया है। जिस प्रकार व्यक्ति अगर पाप करता है, पाप कृत करता है, उसको किस प्रकार के नरक में डाला जाता है। तो हम भगवद गीता में भी सुने हैं, भगवद गीता में पढ़े हैं कि कई जगह प्रभुपाद जी लिखते हैं कि शास्त्रों के आधार पर व्यक्ति किस प्रकार पाप कर बैठता है। तो पाप करने का एक चक्र है, इसको बोलते कूटम बीजम पापम फलोन्मुखम। ये चार स्टेजेस है। तो सबसे पहले पाप करने से पहले व्यक्ति का हृदय में इच्छा बनती है, इसलिए भगवद गीता में कहा गया इच्छा द्वेष द्वंद्व समुत्थेन भारत द्वंद्व मोहेन भारत। मोह के वशात अज्ञान वशात जीवात्मा जो भी शरीर है उस शरीर में पाप करता है। सबसे पहले पाप करने का इच्छा बनती है और वही इच्छा बीज के रूप में फलांतर होती है। और जब बीज डाल दिया पाप का, पाप बन जाती है और फल वो अंकुरता है। तो जब अंकुरता है उसको पेड़ बनकर उसको फल लग जाते हैं। तो फल दो प्रकार के हैं। तो जो भी कर्म है उसको पुण्य और पाप, पाप के जो फल आते हैं तो उसको प्रारब्ध और अप्रारब्ध बोलते हैं। कुछ फल तुरंत उसको फलित होते हैं और कुछ फल अनेक वर्षों के बाद फलित होते हैं। जो कर्मों का जो चक्र है इससे पार होना बहुत ही कठिन है और इसका जो नियम है बहुत ही कठोर है। चाहे व्यक्ति कोई भी हो, पाप के इच्छा से जो पाप करता है उसको कर्मों को भोगना ही पड़ता है। और इस भौतिक संसार में हम देखते हैं कि किस प्रकार प्रिय और अप्रिय का संयोग से आत्मा को अलग अलग शरीर मिला जाता है। और प्रत्येक शरीर में इस भौतिक संसार में कष्ट है। और जो व्यक्ति या जो प्राणी अज्ञान के वशात
जो पाप करता है ये भौतिक कष्ट में डाला जाता है। तो भगवान ने बताया कि इस भौतिक संसार जेल है और बहुत कष्ट है। पदम पदम यद विपदम न तेषाम, जिस प्रकार संग मिलता है उसी प्रकार उसका रंग चढ़ जाता है, उसी प्रकार का पाप कर्म करते बैठता है। तो प्रहलाद महाराज जी अपनी प्रार्थनाएं में बताते हैं, हे भगवान, इस मनुष्य जन्म में और ये आत्मा को प्रिय और अप्रिय इसका संयोग से अलग अलग योनि प्राप्त हो जाते हैं और इस संसार में व्यक्ति अनेक उपाय बनाता है कष्ट को दूर करने के लिए, अनेक औषधि लाता है, बट आखिर में औषधि भी इतना कष्टदायक हो जाता है बाद में। तो प्रभुपाद जी इंग्लिश भागवतम में उसका ये लिखते हैं, इन दिस मटेरियल वर्ल्ड बोथ मिजरीज एंड रेमिडीज आर मिजरेबल। दुख और उसको उपशमन करने वाला औषध, वो दोनों दुख दुखी है। तो इसलिए प्रहलाद महाराज प्रार्थना में कहते हैं, तस्मात् प्रिया प्रिया वियोगा संयोग जन्मा शोकाग्निना सकलयो निषुदयमानः दुःखौषधं तदपि दुःखं तद्दीयाहं भूमन् भ्रमामि वद मे तव दाशयोगं भूमन् भ्रमामि वद मे तव दाशयोगं। हे भगवान, मुझे लगता है इस संसार में एक ही इसका औषधि है, वो औषधि आपका चरण कमलों का दासत्व को स्वीकार करना। हे भगवान, इसलिए मुझे बताइए किस प्रकार, कब मुझे आप आपके चरण कमलों में मुझे बुलाएंगे, कब मुझे आपका दासत्व मिल जाएगा। इस प्रकार प्रहलाद महाराज जी बहुत सुंदर प्रार्थनाएं हैं। तो प्रहलाद महाराज जी कहते हैं और भी प्रार्थनाएं में, त्रस्त्योस्म्यहं कृपण वत्सला दुस्सहोग्रा संसार चक्र कदनात् ग्रिसतं प्रणीतः बद्ध स्वकर्म विरुषत्तमा ते अंग्रिमूलं प्रीतोपवर्ग शरणं वयते कदानो प्रीतोपवर्ग शरणं वयसे कदानु। हे भगवान, आपका जो अकराल विकराल जो रूप है, जो नरसिंह भगवान जब प्रकट हुए, ये रूप को कोई भी अगर देखते तो घबराहट से भाग जाते थे, लेकिन प्रहलाद महाराज जी यहाँ कह रहे हैं, भगवान आपके इस रूप मुझे कोई भय नहीं है, इस रूप को देखकर मुझे कोई भय नहीं है, आपके इसको अकराल विकराल जो दंत है, आपके तिरछी आँखें हैं और लाल लाल आँखें हैं और एकदम भयानक, और नरसिंह भगवान का जो जीवा था वो रक्त से लप लपा, ऐसा रक्त बह रहा था उससे, तो कोई व्यक्ति अगर देखता है तो लक्ष्मी जी स्वयं जब सामने आती है तो लक्ष्मी जी भी भाग जाती हैं। मैं ऐसा कभी रूप को, मेरा भगवान का कभी ऐसा रूप देखा नहीं है। तो इनके सामने प्रहलाद महाराज जी कहते, ये रूप मुझे कोई दुख नहीं देता, ये रूप मुझे कोई भय नहीं करता भगवान, लेकिन इस भौतिक संसार में जन्म लेना और मेरे ही कर्मों के द्वारा मैं अनेक अनेक योनि में भटकता रहा हूँ और कुसंग से जो मिलने वाला भय है ये अति भयानक है। इसलिए हे भगवान, मैं प्रार्थना करता हूँ आपके चरणों में, आप मुझे आपके चरणों का दासत्व को किस प्रकार स्वीकार करना वो मुझे बताइए। बहुत ही सुंदर, देखिए इतना छोटा बालक प्रहलाद जी कितने सुंदर प्रार्थनाएं करते। तो चैतन्य महाप्रभु रोज इस प्रार्थनाओं को गाते थे स्नान करते समय, खास कर ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज जी का प्रार्थनाओं को गाते थे। तो हमको इस संसार में इस दुख से पार होने के लिए
देखिए इस नारकी लोगों का जो वर्णन किया है इसको देखकर भय उत्पन्न होता है और व्यक्ति को शास्त्रों का अगर उल्लंघन किया तो किस प्रकार उसको शिक्षा दिया जाता है। तो अगले श्लोकों में इसी प्रकार 27वां श्लोकों में येद्विह वै दास्य वोग्निदा गरदा ग्रामन सार्तन व विलुम्पन्ती राजनो राजभटा व तामश्यपि ही परेत्य यमदूता वज्र दमस्त्रा स्वानः सप्तशतानि विंशतिश्च सरभंश खादन्ति। ये शब्दों का अर्थ इस प्रकार है, ये जो व्यक्ति तू लेकिन इह इस जीवन में वै निस्संदेह दस्यवह चोर तथा डाकू अग्निदह। देखिए किस प्रकार ये शब्द जो है दस्यवह, ये दस्यव शब्द से डाकू शब्द बन गया है, अग्निदह आग लगाने वाले, गरदह विष पिलाने वाले, ग्रामान गांवों को, सार्थान वणिक वर्ग को वा अथवा विलुम्पन्ति लूटते हैं, राजनः राजा राजभटा अधिकारी वा अथवा तान उनको च भी अपि निस्संदेह ही निश्चय ही परेत्य मरने पर यमदूता यमराज के दूतगण वज्र दमष्टा कठोर दांतों वाले स्वानः कुत्ते सप्तशतानि 720 च और सरभसम भूकड़ता पूर्वक खादन्ति निगल जाते हैं। श्लोक का अर्थ इस प्रकार है, इस जगत में कुछ लोगों का व्यवसाय ही लूटपाट करना है, जो दूसरों के घरों में आग लगाते हैं अथवा उन्हें विष देते हैं। यही नहीं, राज्य अधिकारी कभी कभी वणिक जनों को आयकर अदा करने पर विवश करके तथा अन्य विधियों से लूटते हैं। मृत्यु के पश्चात ऐसे असुरों को सारमेयादन नामक नरक में रखा जाता है। उस नरक में 720 कुत्ते 720 है जिनके दांत वज्र के समान कठोर है। ये कुत्ते यमराज के दूतों के आदेश पर ऐसे पापी जनों को भूखे भेड़ियों की भांति निगल जाते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जाए, श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में यह कहा गया है कि इस कलिकाल में प्रत्येक व्यक्ति 3 प्रकार की विपत्तियों से पीड़ित रहेगा, वर्षा का अभाव, दुर्भिक्ष तथा राज्य द्वारा अधिक कर वसूली। चूंकि मनुष्य अधिकाधिक पापी होते जा रहे हैं इसलिए वर्षा का अभाव होगा जिससे अन्न नहीं उपजेगा। दुर्भिक्ष के कारण उत्पन्न लोगों का कष्ट कम करने बहाने सरकार व्यवसायी वर्ग पर विशेष रूप से भारी कर लगाएगी। इस श्लोक में कहा गया है कि ऐसे सरकार के अधिकारी दास्यों अथवा चोर होते हैं, इनका मुख्य काम होगा लोगों की संपत्ति लूटना, चाहे वह राजमार्ग का लुटेरे हो या राजकीय चोर। ऐसे व्यक्ति को अगले जीवन में सारमेयादन नामक नरक में गिराकर दंडित किया जाएगा, जहां उसे निस्त्रम से कुत्ते काटेंगे। इस वर्ण जो लोगों का पैसे लूटते हैं उनको किस प्रकार के नरक में डाला जाता है, दूसरों को संपत्ति हड़पना, दूसरों को घर को आग लगाना, ये बहुत ही पाप में कृत्य है। कि महाभारत में हम देखते हैं दुर्योधन एंड कंपनी ये सारे कर्म को किए हैं, पांडव जैसे संत लोगों को भगवान के भक्त को उन्होंने एक घर में बंदी करके उसको आग लगाया, भीमसेन को विष पिलाया, दुर्योधन ने भीमसेन को विष पिलाया, दुशासन एंड भरी सभा में द्रौपदी को वस्त्रहीन करवाया, ये सारे पापों को किए उन लोगों ने।
तो कलयुग में जैसे कि गवर्नमेंट अधिकारी लोगों का कर कैसा वसूल करते हैं, या राजमार्ग का जो भी अधिकारी होंगे वो लोगों का कैसे लूटते हैं। सामान्यतः हम देखते हैं इफ कुछ फैमिली में भी ऐसा आपस में एक एक को लूट कर उनके पैसा हड़प करते हैं। एक छोटी सी एक घटना है, मैंने एक वरिष्ठ भक्तों से ये सुना हूँ। कुछ साल पहले ये घटना हुई है गुजरात में। एक बहुत ही धनी व्यक्ति था और वो धनी व्यक्ति घूमते घूमते एक जगह पे जाना था और साथ में उसको बहुत कुछ पैसा लेकर जाना था कुछ काम के लिए। और रास्ते में उसके एक मित्र थे और मित्र को पहले ही बता चुका था कि मैं आपके पास आऊँगा तो एक दो दिन ठहरूँगा। तो मित्र के घर में आ गया ये धनी व्यक्ति और उसको बताया था कि मेरे पास इतना पैसे है, कुछ मुझे काम के लिए जा रहा हूँ। तो उस गृहस्थ को जिसके घर में वो ठहरे थे उसका मित्र, इतना सब कुछ पैसा देखकर उसके मन में लोभ आई। उसने सोचा अगर इसको इस पैसा को मैं हड़प लूँगा किसी तरीका के अपना कर, मेरा पूरा गरीबी निकल जाएगी, मेरा कितना पीढ़ियों जो है वो सुख से रह पाएंगे। ऐसा सोचकर वो व्यक्ति गृहस्थ और उसका एक बहन थी, वो दोनों मिलकर अपने दोस्त को उसी घर में मारकर वो जमीन में उनको गाड़ दिया और पूरा पैसे को लूट लिया। ये सत्य घटना हुई है। इतना सब पैसे लूटने के बाद, बहुत पैसा था वो उस काल में, तो करोड़ पैसा है तो कितना व्यक्ति संपत्ति ले सकता था। तो उसने बहुत बड़ा एक बंगलो बनाया और उसमें आलीशान बंगलों में रहने लगा, बाकी पापों को भूल गया। कालांतर में उसकी जो बहन थी वो बहन मर गई और उसका एक पुत्र हुआ। वो जो पुत्र, इसके पास बहुत पैसा था और वो जो पुत्र जन्म से ही बहुत ही बीमार रहता था, छोटे बच्चे से बहुत बीमार लगने लगा। जैसे जैसे बड़ा होने लगा और इसका बीमारी बढ़ती गई और ये जो गृहस्थ जो है इसको बीमारी दूर करने के लिए बहुत पैसा डाला, डॉक्टर को ये करना, उसको नर्स लगाना, उसको दवाई लाना, बहुत पैसा उसने खर्च किया। ऐसा लगने लगा कि मेरे पास जितना पैसा है ये सारे पैसा इस बच्चों को मुझे खर्च करना पड़ा। तो बच्चा जवान हुआ फिर भी उसका बीमारी दूर नहीं हुई और वो गृहस्थ ने उस बच्चा का, उस बेटे का शादी करवाया। और जैसा शादी करवाया तो कुछ साल तक उसको बीमारी दूर नहीं हुई, उसको कोई बच्चा नहीं हुआ, लेकिन बेड पे ही सोए हुआ रहता था और डॉक्टर का दवाई और उसको मेंटेन करने के लिए उसको बहुत पैसा डालना पड़ा। तो आखिर में उसको लगने लगा मेरा बेटा का बीमारी ठीक नहीं होगा। तो बेटा ने बोला कि पापा मेरा बीमारी तो दूर नहीं हो रहा है लेकिन मुझे पेरू खाने का है, आप मुझे पेर ला के दीजिए। तो उसने पेर लाने के लिए गया और ला के आते वक्त उसको देखा तो उसका जो एकदम बच्चा क्षीण हुआ था, बेटा क्षीण हुआ है, बेड के ऊपर सोया है। और इसका स्थिति देखकर वो जो गृहस्थ था वो रोने लगा, हाय हाय क्या तुम्हारी बीमारी है, पूरा संपत्ति को मैंने तुम्हारे ऊपर डाल दिया है फिर भी तुम्हारी बीमारी दूर नहीं हो रहा है। तो रोने लगा इसके सामने। तब उसी बेटे ने उसको कहने लगा, हे मित्र अभी याद हो गया मैं कौन हूँ,
मैं वही तुम्हारा मित्र था, तुमने मुझे मारकर इसी जमीन के अंदर गाड़ा था। और ये जो मेरे पत्नी है, ये तुम्हारे बहन थी, तुम दोनों मिलकर मुझे यही मारे थे। वो बोलने लगा कि कर्मों का साइकिल देखिए, कर्मों का चक्र। किसी को भी अगर किसी का पैसे हड़प करके उसका सुख का अनुभव कुछ देर के लिए करेगा, लेकिन उस कर्म को वो टाल नहीं सकता है। यही चक्र है, शास्त्रों में बताया है, कूटम बीजम पापम फलोन्मुखम। इसको प्रारब्ध, मतलब अभी हम जो भोग रहे जो कर्म, उसको प्रारब्ध बोलते हैं। अप्रारब्ध मतलब आगे होने वाले, आगे मिलने वाले जो कष्ट है उसको अप्रारब्ध बोलते हैं। तो ये सब नरकी वर्णन के बाद परीक्षित महाराज जी के मन में प्रश्न उठता है, इस भौतिक संसार में इस पाप कृत्य से निकलने का कितना मुश्किल है। तो सुखदेव मुनि से परीक्षित महाराज प्रश्न पूछे छठे स्कंद में, हे भगवान, इस पाप कृत्य से कैसे निकलने का, इसका प्रायश्चित क्या है, इसका उपशमन क्या है? तो छठे स्कंद में परीक्षित महाराज ये प्रश्न पूछते हैं, तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं। सुखदेव गोस्वामी डायरेक्टली नहीं बताते हैं, स्टेप वाइज बताने वो देखना चाहते हैं कि परीक्षित महाराज का क्या रिएक्शन है। तो सबसे पहले बोलते हैं कि इसको पाप कृत्य को उपशमन करने के लिए व्यक्ति को प्रायश्चित करना होगा, यज्ञ इत्यादि वगैरह करके उसका पाप को वो शमन कर सकता है। गंगा स्नान, यज्ञ करना, कुछ कर्मकांड करना। तो कर्मकांड के बारे में बोलने लगता है। परीक्षित महाराज के मन में संशय आता है, देखिए व्यक्ति समझो एक चोर है, चोरी करता है, जेल में जाता है, शिक्षा भोगने के बाद फिर से वापस आता है, फिर से चोरी करता है। तो जेल का जो उसको भय नहीं होता है, उसको भूल जाता है, फिर से चोरी करता है, बार बार चोरी करके बार बार जेल जाता है। तो परीक्षित महाराज को ये ठीक नहीं लगता है। जैसे क्रिश्चियनिटी में भी देखते हैं हम, चर्च जाते हैं लोग संडे और वहाँ कन्फेशन करते हैं, उनको लगता है पाप करके आया संडे आके चर्च में, पोप को कुछ दक्षिणा देकर बोलने का, आई एम वेरी सॉरी, प्लीज़ एक्सक्यूज मी, तो पाप खत्म हो गया, फिर से पाप करने लगो। तो परीक्षित महाराज बोलते हैं ये मुझे ठीक नहीं लगता। ये जैसा कुंजर स्नानम, जैसा हत्ती नदी में स्नान करता है और फिर से आके तट के ऊपर मिट्टी में अपना पूरा शरीर को मिट्टी लगा लेता है, फिर से स्नान करता है, फिर से मिट्टी लगा लेता है, जैसा कुंजर स्नान जैसा है। कर्म कांड मतलब कुंजर स्नान है। मुझे और दूसरा उपाय बताइए, ये मुझे ठीक समंजस नहीं लग रहा है। तो हंसते हुए परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने फिर बोलते हैं कि ज्ञान कांड, व्यक्ति को ज्ञान संपन्न करना चाहिए, कि जिस प्रकार जो कष्ट का ज्ञान मिलता है, जैसा कि अभी ये ज्ञान के बारे में बता रहा, अज्ञान के वशात व्यक्ति पाप कर्म करता है, अगर उसको ज्ञान दिया, ज्ञान तलवार जैसा है, इससे पाप को काट लेता है, ज्ञान के बारे में बताते। तो फिर भी परीक्षित महाराज को ये कुछ ठीक नहीं लगता है। तो और कुछ बताइए, ये ज्ञान भी ठीक है लेकिन व्यक्ति मोहित होकर ज्ञान को भी भूल जाता है। विश्वामित्र जैसा महान संत, महान मुनि, क्या उनको ज्ञान कम था? फिर भी वो कुछ कर्म ऐसे कर बैठे कि बाद में उसको पछताने लगे। तो ज्ञान भी ठीक नहीं है। तब इन्होंने भक्ति के बारे में अगले पंक्ति में बताया है सुखदेव गोस्वामी को। इस संदर्भ में भागवत में एक बहुत ही सुंदर घटना है। हम अनेक छठे स्कंद में, ये पांचवें स्कंद का खत्म होते ही छठे स्कंद जब शुरुआत होता है, अजामिल का कथा आती है, आप सब लोग इसके बारे में सुने हैं। और एक बहुत सुंदर संदर्भ है, हम सबको सीखने जैसा है इससे, कि मरुतगण का जो कथा है। तो एक बार कश्यप मुनि, उनके पत्नियां दिति और अदिति, दोनों पत्नियां थे, अदिति के गर्भ से सारे
आदित्य लोग, 12 आदित्य, 12 देवता प्रकट हुए और दिति के गर्भ से हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु जो दोनों दैत्य प्रकट हुए। और हम सुन चुके हैं कि वराह भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर डाले और इंद्र को खुश देने के लिए इंद्र के बात सुनकर भगवान ने और अदिति का प्रार्थना से वामन भगवान का अवतार लेकर बलि महाराज को जो कहते हिरण्यकश्यपु को नरसिंह अवतार में हिरण्यकश्यपु को मार डाला। तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु वराह भगवान और नरसिंह भगवान दोनों अवतार से दोनों को मार दिया। तो बाद में दिति माता बहुत दुखी हो गई। तो भगवान तो सबके लिए सम है लेकिन ये इंद्र के बात को मानकर भगवान ने मेरे दोनों पुत्रों को मार डाले, इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है। भगवान तो सम, सभी के लिए सम है, लेकिन दोष किसका है? इंद्र का है। इंद्र ने भगवान को मेरे पुत्रों को मारने के लिए प्रेरित किया है, इसलिए मुझे इंद्र को मारना है। इसको मन में इंद्र के प्रति द्वेष आता है। इंद्र ने अपने संपत्ति और ये स्वर्ग लोक का अधिकारी बनकर बहुत प्रमत्त हो गया है, इसको मैं नाश कर डालूंगी, ऐसा मन में इच्छा आती है। और इसी इच्छा के वजह से वो सोचती है किस प्रकार मुझे ऐसा एक पुत्र प्राप्त करे जो इंद्र को मार सके। ऐसा पुत्र कौन दे सकता है? तो जानती है महान कश्यप मुनि अपने जो पति, उनके प्रभाव को जानती थी, तो इसलिए उन्होंने एक प्लान बनाती है, मेरे पति को मैं ऐसा सेवा करूंगी जिससे संतुष्ट होकर मेरे पति मेरा काम कर सकते हैं। तो दिति माता ने कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक कश्यप मुनि का ऐसा सेवा की, ऐसा सेवा की कि भागवतम में वर्णन है सभी नारी को, पत्नियों को दिति माता का चरण कमल कमलों का अनुसरण करना चाहिए कि किस प्रकार पति का सेवा करना चाहिए। भवानी भव एव, ऐसा वर्णन है कि जिस प्रकार माता पार्वती शिवजी का सेवा किया उस प्रकार दिति माता ने कश्यप मुनि को स्वयं भगवान समझकर उनका सेवा करती है। और इसका सेवा, और दिति माता बहुत सुंदर थी ऐसा वर्णन है। तो इसका, इनका रूप और ये सेवा को देखकर कश्यप मुनि बहुत मोहित हो गए। हालांकि कश्यप मुनि बहुत विद्वान थे फिर भी अपनी पत्नी का रूप और सेवा को देखकर बहुत मोहित हो गए। और एक दिन बैठे बैठे माता दिति को बोलते हैं, हे प्रिय, तुमने कई दिनों तक मुझे ऐसा सेवा की है, मैं बहुत संतुष्ट हूँ। इसी प्रकार हर पत्नी को पति का सेवा करना चाहिए, तो मैं तुम्हारा इच्छा पूरा करना चाहता हूँ, बोलो तुमको क्या चाहिए, मैं वरदान देता हूँ, तुम जो मांगोगे उसको मैं पूर्ण करूँगा। ऐसा बोलकर दिति माता को खुश करने के लिए कोशिश करते हैं। बाद में उनको पता चलता है कि हाय हाय मैंने क्या कर डाला। सो दिति माता को यही, वो तो यही चाहती थी कि मेरा पति प्रसन्न हो और मुझे वरदान दो। और बहुत सौम्य मृदु वाणी में दिति माता बोलती है, हे प्रभु, मैं जानती हूँ आप मेरा इच्छा को पूर्ण करने में सक्षम है, तो मैं ये चाहती हूँ कि मुझे एक पुत्र हो। यहाँ तक ठीक था, कश्यप मुनि को कुछ लगा नहीं, लेकिन ऐसा पुत्र हो जो इंद्र को मार सके। ये बोलने के बाद कश्यप मुनि के हृदय के ऊपर पत्थर डाला जैसा, हाय मैंने क्या कर डाला। ये जानता हूँ कि स्त्री कभी भी धोखा दे सकती है, ये जानते हुए भी मैं उसको वचन दे दिया। मन में सोचने लगे, फिर बाद में लगता है कि ठीक है, भगवान का भगवान ने प्रेरित किया मुझे ऐसा बोलने के लिए, लेकिन इस स्थिति को मुझे सुधारना है।
किस प्रकार दिति का मन में हृदय में जो पाप का बीज इच्छा जो हुआ है इसको पूरी तरह से किस तरह निकालने का, ये सोचते हुए कश्यप मुनि बताते हैं, प्रिय सुंदरी देखो तुम अगर तुमको इस तरह पुत्र चाहिए तो तुमको एक व्रत करना होगा। प्रभुपाद जी इंग्लिश भागवतम में लिखते हैं बेस्ट बार्गेन आउट ऑफ वर्स्ट सिचुएशन, किस तरह एक सिचुएशन को संभालने का, तुमको एक व्रत करना होगा। इस व्रत का नाम है पुंसवन व्रत, और ये पुंसवन व्रत एक साल के लिए करना होगा। तो एक साल तक कुछ नियम बताते हैं कश्यप मुनि जी ने, कुछ नियम बताए हैं, इस नियमों को तुमको एक भी तनिक भी इसमें अगर दुर्लक्ष हो गया, त्रुटि रह गई, तो इसका विपरीत फल मिलेगा। यानी आपका जो पुत्र होने वाला है वो जो पुत्र इंद्र का शत्रु नहीं बनेगा, त्रुटि हो गए तो इंद्र का मित्र बन जाएंगे, इंद्र का अनुगामी बन जाएंगे, अनुयायी बन जाएंगे। तो ये सोचते दिति माता कहती है हे प्रभु आप जो भी मुझे बताएंगे व्रत करने का जो भी स्टेप्स है क्रम है उसको मैं ठीक ठीक से पालन करूंगी। तो देखिए यही कश्यप मुनि अदिति माता को एक व्रत बताए थे जिसके जिस वो व्रत को सिर्फ 6 दिन का करना था, सिर्फ खीर और दूध पीकर उसको 6 दिन तक करना था, लेकिन दिति माता को 1 साल के लिए कर। तो जिस तरह पाप है उसको शमन करने के लिए औषधि बड़ा है। तो दिति माता बोलती है ठीक है मैं करूंगी। तो उन्होंने इस व्रत का क्या क्या पालन करने का, ये सभी को प्रभुपाद जी लिखते हैं हर विवाहित नारी को इस व्रत के बारे में मालूम होना चाहिए, और ये शास्त्रों का अनुगत है। कश्यप मुनि बड़े विद्वान मेधावी है, और इन्होंने कश्यप मुनि ने कहा हे प्रिय इस व्रत का पालन करते समय न तो उग्र बने, न ही किसी को कष्ट पहुंचाए, न तो किसी को शाप दे, न असत्य भाषण करे, न तो अपने नखून तथा बाल काटे, और न हड्डियों तथा खोपड़ी जैसी अशुद्ध वस्तुओं का स्पर्श करे। देखिए भक्ति में जब भगवान की सेवा में होते हैं तो ये सब पालन करना बहुत जरूरी है। माताओं को और खास कर भगवान की सेवा में जब भी जो भी है इनको पालन करने के लिए। तो आगे बताते हैं कश्यप मुनि ने आगे कहा हे कल्याणी नहाते समय पानी में कभी न घुसे, पानी के अंदर घुसना नहीं है, कभी क्रोध न करे और न दुष्ट लोगों से कभी बोले या संगति करे, कभी भी बिना धुले वस्त्र न पहने और पहले धारण की गई माला को कभी न पहने। और आगे कहते हैं कभी भी झूठा भोजन न खाए, देवी काली दुर्गा को चढ़ाए हुआ प्रसाद न खाए, और मांस या मछली से मिश्रित कोई भी वस्तु न खाए। आजकल हम जो होटल में जाते हैं तो नॉन वेजिटेरियन होटल में सब मिक्स होता है, तो ये व्रत को बाधा करता है। कोई भी अगर व्रत करे खास करके एकादशी के टाइम में या भगवान का सेवा में, शूद्र द्वारा लाई गई या शूद्र द्वारा स्पर्श की गई अथवा रजस्वला स्त्री द्वारा देखी गई किसी भी सामग्री को न खाए, अंजलि से पानी न पिए, अंजलि से पानी न पीना। तो ये सब व्रत का पुंसवन व्रत को करने में डूज एंड डोंट्स। भोजन करने के पश्चात तुम्हें मुंह हाथ तथा पांव धोए बिना बाहर सड़क पर नहीं जाना चाहिए, तुम्हें न तो शाम को या बाल खोले हुए और न आभूषणों से सज्जित हुए बिना बाहर जाना चाहिए, जब तक वाणी का संयम न हो और शरीर ठीक से ढका ढका न हो तब तक तुम्हें घर से बाहर नहीं जाना चाहिए।
तो बाल बिखरे हुए स्त्री को बाहर नहीं जाना चाहिए। आप सब सुन चुके हैं किस तरह कंस का जन्म हुआ, तो ये भी उसी प्रसंग को पुष्टि करता है कि स्त्री को बाल बिखरे हुए बाहर नहीं जाना चाहिए। तुम्हें न तो दोनों पांव धोए बिना या शुद्ध हुए बिना, न ही गीले पांव अथवा अपना सिर पश्चिम या उत्तर करके सोना चाहिए। सूर्योदय अथवा सूर्यास्त के समय निर्वस्त्र होकर तथा अन्य स्त्रियों के साथ नहीं लेटना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि धुला वस्त्र पहनकर सदैव शुद्ध रहकर तथा हल्दी चंदन और अन्य मांगलिक सामग्रियों से अलंकृत होकर कलेवा करने के पूर्व गायों, ब्राह्मणों, ऐश्वर्य की देवी तथा श्री भगवान की पूजा करें। तो इस प्रकार कश्यप मुनि ने दिति माता को पुंसवन व्रत के बारे में बताते हैं। तो दिति माता ने, क्योंकि मन में दृढ़ विश्वास था कि मुझे पुत्र होगा, इंद्र को मारने के लिए वो सक्षम रहेगा, तो इस व्रत को बहुत ही कठिनाई से वो पालती है। बहुत ही जागरूक होकर, जैसा कश्यप मुनि ने बताया, उस तरह एक साल तक वो ये इस व्रत को पार करती है। लेकिन तब ये इंद्र को मालूम पड़ता है, इंद्र को पता चलता है कि मेरे मौसी मुझे मारने के लिए एक व्रत कर रही है। तो मनुष्य धर्म है अपने आत्मा को संरक्षण करने के लिए उसको कोई व्यवस्था करना चाहिए। तो इंद्र क्या करते हैं कि एक माली के वेश धारण करके, माली बनकर वो मौसी के घर में रहने लगते हैं। माता दीदी को बोलती है, देखिए मैं माली हूँ, आपका व्रत के लिए मैं सहायता करूँगा। तो रोज नित्य सुबह उठकर इंद्र जंगल जाते थे, फूल लाते थे, संविदा लाते थे, लकड़ी मिट्टी लाते थे यज्ञ करने के लिए, फल आदि वगैरह लाके माता को देते थे रोज सुबह एक साल तक। और ऐसा सेवा करते, वैष्णव का सेवा करते करते वो सोचते रही थी कि मेरे मौसी कब अपने व्रत में त्रुटि करेगी, कब गलती करेगी। और उस एक संदर्भ को लेकर मैं उसका फायदा उठाऊंगा और इसका व्रत को तोड़ डालूंगा, ऐसा प्लान करे इंद्र रहने लगते। तो एक साल तक देखते देखते दिति माता इतना सक्षम होकर इस व्रत कर रही थी, इंद्र बहुत नाराज हो गए, अभी मुझे कोई चांस लगता नहीं, शायद मुझे मरना पड़ा। तब शाम के समय दिति माता इतना थक गई थी इस व्रत करते, क्योंकि बहुत सुबह उठती थी और इस सारे नियमों को पालन करना, जप करना, यज्ञ करना, ब्राह्मणों को खिलाना, फिर सब गृहस्थों को घर में सब लोगों को खिलाना, बाद में खाना, तो बहुत थक गई थी। एक दिन शाम के समय प्रसाद ग्रहण कर सीट के ऊपर, जैसा घर में माता सोफा के ऊपर जैसा लेट जाते हैं, ऐसा लेट गई और हाथ और मुंह धोई नहीं थी, ये व्रत में त्रुटि है। और जैसा कि इस संदर्भ को देखकर इंद्र योगेश्वर है, इंद्र को सारी योगों के बारे में मालूम है, प्रणीत है, तो उन्होंने छोटा सा एक आकार बनकर अनिमा लगिमा, ये जो सिद्धि है, तो अपने आयुध वज्रायुध को लेकर, वज्रायुध को छोटा बनाया और खुद भी छोटा बनकर दिति माता का मुंह खुला था और अंदर प्रवेश कर लिया। तब दिति माता एक साल हुई थी, गर्भवती बनी थी, हुई थी, तो इंद्र उनके पेट में घुसकर वो देखा कि एक छोटा सा बालक भ्रूण है और इतना तेजस्वी भ्रूण है, उसके भ्रूण से तेज निकल रहा था अंदर पेट में देखा, तो अपने वज्र के सहित उस भ्रूण के ऊपर 7 बार प्रहार किया इंद्र ने, उसको मारने के लिए, बच्चों को मारने के लिए 7 बार प्रहार किया। या कभी ऐसा ही बता दे कि इंद्र का वज्र को 7 ऐसा स्पोक है, उसके कांटे हैं, एक बार मारने से 7 टुकड़ा हो सकता है, सो 7 बार उसको खंडन किया। उसे देखते देखते वो जो भ्रूण है, वो जो गर्भ था, वो खंड खंड नहीं हुआ,
उससे 7 पुत्र जन्म हुए, अंदर से अंदर ही 7 तेजस्वी पुत्रों का प्रकट हो गया वही भ्रूण से। इंद्र आश्चर्यचकित हो गया। देखिए यही वज्र है वृत्रासुर को मारने के लिए, दधीचि मुनि का हड्डी से बनाया ये वज्र था, इतना कठोर वज्र। स्वयं भगवान ने उसको ये बताए थे कि तुम जाके दधीचि मुनि का हड्डी से वज्र बना दो जिससे तुम वृत्रासुर को मार सकते हो। और उसी वज्र से वृत्रासुर को इंद्र ने काटा था और अभी एक छोटा सा भ्रूण को भी मार नहीं सका। कितना आश्चर्य है, जो वज्र इतना कठोर वज्र इंद्र का, छोटे से एक भ्रूण को भी मार नहीं सका। तो और वो बच्चे रोने लगा, सब रोने लगे, 7 बच्चे रोने लगे। तो जब रोने लगे उनके ऊपर और 7-7 बार इंद्र ने प्रहार किया, तो कुल मिलाकर 49 अंदर पुत्र पैदा हुए, तेजस्वी पुत्र, देवता जैसा, देवसा के समान तेजोमय थे। इंद्र बहुत आश्चर्यचकित हुआ और उनको वो रोने लगे। उनको इंद्र डांटने लगा, रो मत, मारोत मारोत, इसलिए उनका नाम पड़ा मरुदगण। तो तेजस्वी पुत्र वो बोलने लगे, हे बंधु, हे भैया, तुम हमको क्यों मार रहे हो? हम तो तुम्हारे भाई हैं, हम तुमको क्या, तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, ऐसा बोलने लगा। इंद्र को उनको देखकर सहानुभूति आ गया, अरे ये तो मेरा शत्रु नहीं, तो मेरा मित्र है। तो बोले, अगर आप मेरा मित्र है तो आपको डरने का सवाल नहीं है, डरने का नहीं। तो सारे 49 बच्चों को लेकर इंद्र दिति माता के गर्भ से बाहर आ गए। और जब आते तो माता सोई थी और माता का धीरे से आँख खुल गई, दिति माता का। तो इंद्र बहुत ही शर्मिंदा होकर ऐसा हाथ जोड़कर दिति माता के सामने खड़े हैं और ये सारे तेजस्वी 49 बच्चे भी खड़े हैं। दिति माता देखती है, 1 साल तक व्रत किया है भगवान विष्णु को संतुष्टि करने के लिए, यज्ञ और व्रत जो पुंसवन व्रत किया है, उसका मन एकदम शुद्ध हो गया था। और जैसा बच्चों को देखकर, इंद्र को देखकर वो बोलती, अरे इंद्र, तुम यहाँ कैसे हो और ये कौन बच्चे हैं इतना तेजस्वी, कहाँ से लाए हो, क्या तुम जानते हो, ठीक ठीक बताना, झूठ मत बोलना, ऐसा बोलती है। तो इंद्र एक वैष्णव का सेवा किए थे और उनको भी ये सेवा करते करते इंद्र का मन में सारे जो द्वेष था वो सब द्वेष का नष्ट हो गया था। वो सच सच माता को बताती है, हे माता, मैं बहुत स्वार्थी हूँ, जैसा कि मुझे पता चला आपने मुझे मारने के लिए एक व्रत कर रहे हो, इसका त्रुटि को ढूंढते ढूंढते मैं एक शिकारी जैसा हरिन को मारने के लिए, वो हरिन का ही ड्रेस पहनकर आता है, हरिन का ही रूप लेकर हरिन को मारने के लिए आता है, उस तरह मैं आया था आपका गर्भ को मारने के लिए। जैसा आप सोए थे, आप सोई थी और आप प्रसाद ग्रहण कर हाथ मुंह धोई नहीं थी, इस त्रुटिया को मैं पहचान कर आपके घर में प्रवेश किया, इस बच्चों को मैंने मेरा वज्र से मारा, वो 7 खंड हो गए, 7 बच्चे पैदा हुए, फिर से मैं 7 बार मारा तो 49 बच्चे वहाँ से प्रकट हो गए, वही ये तेजोमय बच्चे हैं। तो माता दिति इंद्र का इस सत्य बात को सुनकर उसको रोष नहीं आया कि सबसे ये बहुत हमको शिक्षा देना जैसा है कि माता दिति तो 1 साल तक व्रत की थी इंद्र को मारने के लिए, यहाँ स्वयं इंद्र अपने बच्चों के समेत खड़े हैं, लेकिन माता दिति हंसते हुए वो भी खुद बताइए, इंद्र देखो मेरे मन में खोट थी, मैं तुमको मारने के लिए मेरे पति के पति से बच्चा प्राप्त करना चाहती थी जो तुम्हें मारे, लेकिन अभी ये सब इतना तेजस्वी है और तुम्हारे मित्र बन गए तो ठीक है, इनको तुम लेके जाओ। दीदी माता कोई रोष नहीं आया। तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी इतना सुंदर बताते हैं
कि ये कैसा शक्य हुआ कि वज्र भ्रूण को मार नहीं सका। और बहुत सुंदर एक श्लोक है, श्लोक क्रमांक 65, न मामयर दितिर गर्भा श्रीनिवासानुकंपया बहुदा खुली शक्षुन्नो द्रौण्यास्त्रेण यथा भवन। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोलते हैं, हे परीक्षित महाराज, न मामेर दितिर गर्भा, इस वज्र से दिति का गर्भ मार नहीं सका क्योंकि श्रीनिवासानुकंपया, भगवान का नाम है श्रीनिवास, लक्ष्मी जी को अपने हृदय में स्थान दिए भगवान, इसलिए नाम है श्रीनिवास। इस श्रीनिवास का अनुकंपा से ये भ्रूण नहीं मार सका क्योंकि एक साल तक भक्ति किए थे। कोई भी अगर एक बार भी भगवान का पूजा करते हैं या भगवान का पूजा में मदद करते हैं, उनको भगवान अपने आप को दे सकते हैं, तो इसमें क्या आश्चर्य है कि एक साल तक व्रत करने के बाद इस भ्रूण को भगवान बचा, इसमें क्या आश्चर्य है, सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं। और भक्ति करने से कैसे सभी पाप, यही छठे स्कंद में सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि भक्ति एक ऐसा औषधि है, इससे न केवल पाप कर्म नष्ट होता है, पाप करने का बीज और कूट भी इससे नष्ट हो सकते हैं। इसको बहुत एक अच्छा उदाहरण है कि जिस तरह दिति माता के मन में जो कूट था, द्वेष था, वो द्वेष एक साल व्रत करने से, भगवान विष्णु का, श्रीनिवास का संतुष्टि के लिए व्रत करने से उसका मन चेतो दर्पण मार्जनम, चैतन्य महाप्रभु यही बताते, नामस्मरण करने से, भगवान विष्णु का स्मरण करने से हृदय साफ हो जाता है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महाधावाग्नि निर्वापनम। तो दिति माता बोलती है इंद्र इन सारे पुत्रों को लेकर इनको स्वर्ग में जाते हैं। तो जब ये बताते वक्त परीक्षित महाराज यही प्रश्न पूछते हैं, इसके पहले जब सुखदेव गोस्वामी मरुतगण के बारे में बोलते हैं कि ये दिति के पुत्र थे लेकिन सब देवतागण बन गए, तो परीक्षित महाराज को आश्चर्य हुआ था, ये दैत्य के, दिति के पुत्र है तो दैत्य होना चाहिए, तो देवतागण कैसे बने। इस प्रश्न के पश्चात सुखदेव गोस्वामी ये संदर्भ का वर्णन करते हैं। तो सारे पापों को नष्ट करने का एक ही विधान जो है भक्ति है, भगवान विष्णु का चरण कमलों में भक्ति। तो सभी प्रार्थनाएं जो है भागवतम में, तो भगवान के चरणों में सब लोग यही मांगे हैं, हे भगवान, किस तरह हम जब सूर्य का उगम होता है, देखिए सुबह हम देखते हैं कि जो कोहरा है, कोहरा पूरा, इतना गाढ़ कोहरा है, सामने कुछ दिखता नहीं। आज सुबह कितना कठिन हो रहा था मंगला आरती को आने के लिए, लेकिन जैसा सूर्य का उदय होता है वो कोहरा सब नष्ट हो जाता है। उसी तरह भगवान विष्णु का स्मरण करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ये कहते इसको विराम देते हैं सुखदेव गोस्वामी जी ने, और सारे पापों को नष्ट करने के लिए भगवान का नाम ही सबसे उत्तम औषधि है। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एक छोटी सी बात कल श्रीमान कृष्णानंद प्रभु इंग्लिश का क्लास में बता रहे थे भागवतम में, कि ये पूरा जगत माया, और अगर भगवान का भक्ति नहीं किया, जीवात्मा माया से वशीभूत होकर माया का सेवा करता है और दुख भोगता है। और हम देखते हैं अमेरिका जो है माया का हेडक्वार्टर्स है, खास करके चिकागो और कैलिफोर्निया 70-80 साल में सभी लोग अमेरिका का फॉलो करते थे, सारे फैशन आया तो अमेरिकन फैशन है, अमेरिका से लौट कर आया तो व्यक्ति पूरा बदल जाता था। भारत से अनेक लोग गए अमेरिका से, वहाँ से सीख के आने लगे। तो पाप करने का जो वृत्ति है अमेरिका में, खास करके न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया ऐसा सिटियों में, ये माया का हेडक्वार्टर्स है। देखिए प्रभुपाद जी किस तरह एक
शौर्य सैनिक, एक कैप्टन जैसा है ना, कैप्टन शत्रु को अगर नाश करने का है तो कैप्टन क्या करता है, उसका हेडक्वार्टर्स को अटैक करता है ना। जब अमेरिका ने जापान के ऊपर बॉम्ब डाला, हिरोशिमा नागासाकी हेडक्वार्टर्स थे मिलिट्री का, उसके ऊपर बॉम्ब डाला तो पूरा जापान खत्म हो गया। तो उसी तरह हेडक्वार्टर्स के ऊपर अगर बॉम्ब डाल दिया तो नष्ट होता है। तो श्रीमान भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी को बताए थे, तुम अमेरिका जाओ, माया का हेडक्वार्टर्स अटैक करो। और प्रभुपाद जी ने एक शौर्य कैप्टन जैसा अपने आयुध लेकर गए थे कि करताल, जपमाला और एक ट्रंक भरी भागवतम, ये उनके आयुध थे। और हेडक्वार्टर्स को अटैक करके सारे जो कूटनीति वाले और दुष्कर्म करने वाले लोगों को उन्होंने मरुतगण बनाया प्रभुपाद जी। तो ये श्री कृष्णानंद प्रभु जी बहुत सुंदर बता रहे थे, प्रभुपाद जी का इतना बड़ा देन है, कैसे पापों को नष्ट करने के लिए उन्होंने हरिनाम दिया और सबको शुद्ध करने लगे। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।